बस बहुत रो रही सुहानी, अब बस करो। इन आंसुओं के सिवा मेरे पास बचा है क्या है? जो कुछ भी था ज़रिया आप अपने साथ ले गए। तुम बहुत मोहब्बत करती थी ज़रिया आपसे। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। ये सच है क्या? तेरे आप बहुत आरिकेंट थे, लेकिन ये भी सच है कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। इतनी मोहब्बत तो शायद मैं कभी भी नहीं कर पाऊं। लेकिन देखो, मुझसे वो मोहब्बत भी छिन गई। अब मेरे पास सिर्फ ज़रियाब की यादें हैं, अच्छी यादें हैं। तुम अकेली नहीं हो सुहानी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सिर्फ मैं ही नहीं, ज़रियाब भी तुम्हारे पास है। ज़रियाब? वो तो चले गए। नहीं, वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे वजूद में पल रहा है। तेरी उनकी इतना बदकिस्मत है। ज़रियाब उसका चेहरा देखे बगैर ही चले गए, और वो अब अपने बाप की शक्ल कभी नहीं देख पाएगा। मुझे अब सिर्फ ज़रियाब के लिए नहीं, तेरी उनके लिए भी रोना है। मुझे जिंदगी भर रोना है। मेरे ख्वाबों के दिए अब इन आंसुओं से ही चलेंगे। आंसुओं से दिए नहीं चला करते सुहानी। अगर तुम इसी तरह रोती रही तो तुम्हारे होने वाले बच्चे पे कितना बुरा असर पड़ेगा। और वैसे भी ये ज़रियाब की आखिरी और इकलौती जीती जागती निशानी है तुम्हारे पास। बस करो, अब चुप हो जाओ बिल्कुल। सायरा जी, इस वक्त हम दोनों को सुहानी के पास होना चाहिए था, उसे तसल्ली देनी चाहिए, हौसला देना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। मैं गई थी सुहानी के पास, उसके पास राहिल आई हुई है, बहला रही है वो उसका दिल। मुझे सुहानी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तसल्ली की जरूरत तो आपको है। आपका बेटा गया इस दुनिया से, कलेजा फटा है आपका। आप आए, आराम करें, मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं करें ना जी, आ जाए प्लीज। आप सोइएगा नहीं भले, हम सरे आपकी बातें कर लेते हैं। नींद नहीं आ रही क्या? बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी नहीं आ रही। पता नहीं सुहानी कैसे संभाल रही होगी अपने आप को। क्या बात कर, उसे बदनसीब मत कहो सकीना। आपने देखा नहीं कुदरत ने क्या खेल खेला हमारी बच्ची के साथ? इधर शादी हुई और उधर उसका सुहाग उजड़ गया। फिर भी उसे बदनसीब मत कहो, पता नहीं उसकी क्या हिकमत है।
क्या मंशा है उसकी? लफ्जों के बदलने से तकदीरें नहीं बदल जाती। मेरी बेटी भरी जवानी में बेवा हो गई, इसमें क्या कुदरत की हिम्मत है अमली, बताए मुझे। तो वही जानता है सकीना, हम उसके फैसलों पर उंगली नहीं उठा सकते। हम क्या कर सकते? सब्र, हम सब्र कर सकते क्योंकि क्योंकि सब्र ही सबसे बड़ी कुव्वत है। ये सब्र और सब की तलखी सब दूसरों के लिए अच्छी लगती, जब अपने दिल पर गुजरती है ना तब पता चलता है। आज तो शाह साहब को भी बड़ा दुख हुआ होगा। दुख तो उसको है अहमद साहब, जिसका बेटा गया, जिसका शौहर गया, सायरा को किस बात का दुख? हाँ, जरियाब उसका सगा बेटा नहीं था, फिर भी तो बस चेहरे पर एक नुमाइशी सा दुख सजा के बैठी। साबरा आपा लाख बुरी से, लेकिन उन्होंने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही, ये कि मरने वाला तो मर गया लेकिन अपने पीछे जिंदा लाशें छोड़ गए। ये क्या बात हुई? नहीं तो कहा उन्होंने सुहानी, हम सब जिंदा लाशें ही तो है। लाशें कभी जिंदा नहीं होती सकीना, जिंदगी चलती रहती है, रुकती नहीं है कभी। एक सूरत से कई सूरत जन्म लेती है। मैं तो अपनी बच्ची की वजह से परेशान, कैसे गुजरेगी उसकी ये जिंदगी? ऐसी पहाड़ जैसी जिंदगी वो अकेले उस घर में कैसे गुजारेगी, जहां कदम कदम पर कांटे, बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। अल्लाह बेहतर करेगा सकीना इंशाल्लाह। हम सुहानी को अपनी तरफ ले आएंगे, हम उसे अपने साथ ही रखेंगे। हाँ हम ले आएंगे, उसकी इद्दत पूरी हो जाए हम फिर ले आएंगे घर। सायरा जी, तुम तो मुझे जानती हो ना, मैंने कितने हौसले और बहादुरी के साथ जिंदगी गुजारी है। आपसे ज्यादा हौसले वाला और कौन हो सकता है? अब देखो मैं कितना कमजोर हो गया हूं। सरियाब नहीं मरा, उसने मुझे मार दिया है, मुझे मार दिया। उसको इल्जाम क्यों दे रहे हैं? और किसे इल्जाम दूं? क्या जल्दी थी उसे जाने की? चंद साल और जी लेता, अपने अपने बेटे को क्रॉलिंग करते देख लेता। मैंने जो स्टिचिंग प्लांट उसके लिए लगाया उसका इफ्तिताह ही कर लेता। बहुत ने क्या वलीद साहब, उसे किसी की नजर खा गई। आपने गौर नहीं किया, हमारा जवान बेटा देखते ही देखते कैसे हमारे हाथों से निकल गई और हम कुछ नहीं कर सके। हाँ सायरा, सब कुछ होते हुए भी हम उसके लिए कुछ नहीं कर सके। मैं तो हैरान, सरे आप इतनी जल्दी कैसे मर सकते? अरे यही तो समझ नहीं आ रहा कि ये अचानक क्या हो गया, कैसे हो गया। मेरा दिल तो बार बार यही कहता है
उसे किसी की नजर खा गई, वरना वो इतनी जल्दी हमें छोड़ के जाने वाला नहीं। सायरा, मैंने कभी ऐसी बातों पर यकीन नहीं किया। मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता? यकीन तो मैंने भी कभी नहीं किया था, लेकिन ऐसा हुआ है। न जाने किसकी नजर मत खा गई मेरे बच्चे को। सर, आपने सुहानी को पहली बार राहिला की शादी में देखा था और पहली ही नजर में सुहानी का दीवाना हो गया था। और जिस दिन हम सरयाब को पहली बार हॉस्पिटल लेकर गए थे, उस दिन सुहानी ने सरयाब के साथ बहुत मिसबिहेव किया था। हम हॉस्पिटल लेकर गए तो हमें पता चला हमारे बेटे को ब्लड कैंसर है। क्या कह रही हो तुम? क्या तुम समझती हो कि जरियाब की मौत की वजह सुहानी है? मैं कुछ नहीं समझ रही वलीद साहब, और ना समझाने की कोशिश कर। ये तो कुछ बस बातें हैं जो मुझे आहिस्ता आहिस्ता याद आ रही है। पर आप ये मत समझिएगा कि मैं सुहानी पर इल्जाम लगा रही हूँ, लेकिन कुछ नजरें होती है ऐसी जो पहले किसी को दीवाना करती है और फिर जान ले लेती है। मैं किसी को इल्जाम नहीं दे रही वाली इच्छा, लेकिन हमारा बेटा हमसे छीन गया। जो कयामत हम पर गुजरी है उसकी तकलीफ या आपको है या मुझे, तबाह हम हुए। किसी का कुछ नहीं किया, हमारा सहयाब हमसे छिन गया वलीद साहब, छिन गया हमारा बच्चा हमसे। सुहानी, तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी बहुत अमीर आदमी से शादी हो और सब कुछ इस तरह खत्म हो जाएगा? नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी सारी हिम्मत को बटोर के तुम्हें इस तरह हिम्मत दे रही होंगी। और देखो सुहानी, इस वक्त में हौसला भी है और उदासी भी, हिम्मत भी है और उम्मीद भी। तुम बहुत मुश्किल बातें कर रही हो राहिला। मेरी मुश्किल बातें अगर तुम्हें इस वक्त समझ में आ जाए, तुम्हारी बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी। और देखो ना, जो हम सोचते हैं वो जिंदगी में कभी नहीं होता, और जो हमने सोचा ही नहीं होता है वो ही होता है। तो क्यों ना हम अपनी सोच को बढ़ाएं, तो वही होगा जो हमने सोचा होता है ना मुश्किल बात? और देखो मैंने कितनी आसानी से कह दी। बस यूं समझो कि मैं आज तुम्हें समझाने के लिए ही रुकी हूँ यहाँ पर। मैं चाहती हूँ तुम आगे की सोचो। सुहानी, तुम्हारा सफर अभी बहुत तवील है। अगर तुम ऐसे ही गमज़दा रही और फिर ये ना हो कि तुम किसी गम को अपनी जान का रोग बना लो। तुम बहुत अच्छी हो राहिला। सुहानी, ये खुशियाँ गम जिंदगी में तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हमें इनसे कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। तो क्यों ना तुम जीना शुरू करो आज से और अभी से। और हाँ, मैंने तुमने वैसे भी सुबह से कुछ नहीं कहा है, मैंने मोना को कहा है कि वो हमारे लिए कुछ लेकर आए। हम यहीं लॉन में बैठ के डिनर करेंगे। आसू,